अगर कहीं पर भी रोड फाइट के अंदर कोई भी सेम इसी तरह से आपको नेक लॉक लगा लेता है तो आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप इस नेक लॉक को सेकंडों के हिसाब से रिलीज करवा सकते हो। दोस्तों, नेक लॉक को रिलीज करवाने के लिए आपके पास सिर्फ 3 सेकंड है। अगर आपने 3 सेकंड के अंदर नेक लॉक को रिलीज करवा लिया तो ठीक है, नहीं तो सामने वाला बंदा आपको 3 सेकंड के अंदर आपका खेल खत्म कर सकता है। इसके लिए जैसे आपको रोड फाइट के अंदर नेक लॉक लग जाता है तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों से जो हाथ उसका आपकी श्वास नली को बंद किए हुए हैं, सबसे पहले उसको इस तरह से ग्रिप करते हुए हल्का अपनी नेक को रिलीज करवाएं। अब इसी के साथ अपनी हिप से उसके मेन पॉइंट के ऊपर इसी तरह से अटैक करें। जैसे आप यहां से अपनी हिप से उसके मेन पॉइंट के ऊपर अटैक करोगे तो यहां पर आपको स्पेस मिलेगा। अब इसी का फायदा उठाते हुए एक हाथ से उसके हाथ को यहाँ पर इस तरह से पकड़ कर रखें, क्योंकि आपकी गर्दन को हल्का रिलीज मिलता रहेगा। इसी के साथ अपनी एल्बो से उसकी चेस्ट के बीचों बीच उसके सोलर फ्लेक्स के अंदर जो कि एक प्रेशर पॉइंट है उसके ऊपर इस तरह से अटैक करें। जैसे आप यहाँ पर उसके सोलर फ्लेक्स के अंदर अपनी एल्बो से अटैक करोगे तो यहाँ पर आपकी नेक थोड़ा रिलीज होगी और स्पेस ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसी का फायदा उठाते हुए अपने हाथ से उसके मेन पॉइंट के ऊपर इस तरह से अटैक करें। इसी अटैक के साथ वह आपके नेक को यहाँ पर रिलीज करेगा। जैसे ही आपकी नेक यहाँ पर रिलीज होती है तो इसी के साथ आप यहाँ पर उसके हाथ को ग्रिप करते हुए अपने पैर से मूवमेंट करते हुए उसकी यहाँ पर कलाई को इस तरह से लॉक कर लें। अब उसकी एल्बो को उसकी कलाई को तोड़ते हुए इस तरह से आप नीचे के अंदर उसको डाल सकते हो। अब यहाँ पर आप उसके ऊपर कहीं पर भी अटैक कर सकते हो। साथ ही अगर आप चाहें तो इस तरह से उसकी बॉडी को यहाँ पर उसके हाथ को लॉक करते हो, उनको तोड़ सकते हो और उसको यहाँ पर उसके फेस के ऊपर आप इस तरह से अटैक कर सकते हो और आसानी से अपने आप को नेक लॉक से रिलीज करवा के बच के निकल सकते हो। दोस्तों, ये लॉक बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, तो इस लॉक का इस्तेमाल आप जरूरत पड़ने पर ही करें। कहीं पर भी अननेसेसरीज का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे किसी की जान भी जा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।